वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। आइए नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर। अधिवक्ता ओंकार तोमर आत्महत्या मामले को लेकर मीरठ के अधिवक्ताओं द्वारा की जा रही हड़ताल स्थगित कर दी। बार एसोसिएशन ने स्थगन का फैसला जिलाधिकारी व एसएसपी के आश्वासन पर लिया है। उन्हें आश्वासन दिया गया है कि 15 दिन में नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 15 दिन का समय देते हुए बार एसोसिएशन ने हड़ताल स्थगित कर दी है। सोमवार से सभी कार्य सुचारू रूप से संचालित होंगे। हड़ताल स्थगित होने से वाद कार्यों व रजिस्ट्री आदि कराने वालों को राहत मिली है। आपको याद दिला दें कि बीती 13 फरवरी को मेरठ के वरिष्ठ अधिवक्ता ओंकार तोमर ने आत्महत्या कर ली थी। अपने सुसाइड नोट में ओंकार तोमर ने आत्महत्या के लिए भाजपा विधायक दिनेश खटीक व अन्य को जिम्मेदार ठहराया है। भारी दबाव के बाद पुलिस ने विधायक समेत 14 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। अब 11 लोगों के खिलाफ पुलिस ने कार्यवाही को आगे बढ़ाया है। रिपोर्ट में योगेंद्र व जोगेंद्र को भी नामजद किया गया था, जबकि यह एक ही व्यक्ति है। एक आरोपी संजय मोतला पुलिस दबिश से परेशान होकर खुदकुशी कर चुका है। वहीं भाजपा विधायक के बारे में पुलिस का कहना है कि उनके खिलाफ फिलहाल सबूत नहीं मिले हैं। हालांकि यह सारी ही कार्रवाई सुसाइड नोट के आधार पर की जा रही है और सुसाइड नोट में भाजपा विधायक दिनेश खटीक को भी अधिवक्ता ओंकार तोमर ने आत्महत्या के लिए जिम्मेदार बताया है। इसके बाद नामजद आरोपी संजय मोतला के खुदकुशी कर लेने के बाद पुलिस की कार्रवाई लगभग रुक सी गई। बीते दिवस भी अधिवक्ताओं ने पश्चिम उत्तर प्रदेश के 22 जिलों में कचहरी की तालाबंदी की घोषणा की थी। इस तालाबंदी के बाद से ही जिला पुलिस प्रशासन की तरफ से यह प्रयास शुरू हो गए थे कि कैसे भी इस हड़ताल को स्थगित या समाप्त कराया जाए। दरअसल 14 नामजद अभियुक्तों में से एक संजय मोतला द्वारा आत्महत्या कर ली गई है। 3 लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि 7 लोगों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल कर रखी है। वहीं भाजपा विधायक दिनेश खटीक को पहले से ही पुलिस प्रशासन अपनी कार्यवाही से बाहर किए हुए हैं। करीब 21 दिन से चली आ रही हड़ताल से वाद कार्यों को भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जमानत व अन्य न्यायिक कार्य भी नहीं हो पा रहे हैं। वहीं रजिस्ट्री कार्यालय बंद होने से भी राजस्व को भारी नुकसान हो रहा है। मेरठ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष महावीर त्यागी ने बताया कि जिला जज की मौजूदगी में डीएम व एसएसपी की तरफ से उन्हें आश्वासन दिया गया है कि 15 दिन में सभी नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सभी वरिष्ठ अधिवक्ताओं से सलाह मशवरा कर हड़ताल 15 दिन के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। सोमवार से कचहरी में होने वाले सभी कार्य सुचारू रूप से संचालित होंगे। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।